बकरे तो घूमते हैं, चोर घूमते हैं, जिन्हें वजीर मशीर जिन्हें भी है सब चोर नहीं बल्कि चोर के पुत्र ने। इन्होंने एक ही झटके में चीनी का टीका लगाया है, क्या वो करप्शन नजर नहीं आ रही आप लोगों को? एक ही झटके में गन्ने का टीका लगाया, एक ही झटके में गंदम गायब, आटा गायब। इन्होंने जलसे से तकरीबन 2 बजे ये कहना शुरू कर दिया जलसा नाकाम हो गया, वही तस्वीरें ये दिखा रहे थे, जबकि रात 9 बजे हमने देखा कि जलसा पीक पे था। इमरान खान कहते हैं थोड़ा सा इंतजार कर ले, हालात बेहतर होंगे, जब मौत आ जाएगी फिर इंतजार करें। तो क्या आवाम के वोट से नहीं आई आप ये? नहीं, चोरी बदमाशी है ये कि सिलेक्टेड मिलियन सही कह रहे हैं वो, ये आवाम के कोई वोट से नहीं आया। काजी साहब फौत हो गए हैं, ये पूरी ज़िंदगी भी लगे ना तो उनके जनाजे जितने बंदे इकट्ठे नहीं कर सकते, ये अल्लाह की एक बंदे की ये जमानत है और एक अल्लाह बंदे की निशानी है, तो ये अल्लाह के बंदे होंगे तो ये कर लेंगे इकट्ठे, ठीक है ना जी। शिबली फराज साहब बैठे हैं, मैं बात नाम लेके बात करता हूँ, फरदोस आशिक साहब बैठी हैं मेरे इधर इलाके की हैं। बात यह है कि सफ़ेद झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो आंखों से नज़र आ रहा हो ना उसको फेस करने की भी ताकत होनी चाहिए। 3 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया, आइंदा 2 सालों में क्या कर सकते हैं ये? अपने अंदर जो इसके काली भेड़े हैं ना, ये पहले उसको देखे कि मेरी जो कैबिनेट है इसमें जो काली भेड़े हैं मैंने उनको तलाश करना है, फिर ही कोई सलूशन निकल सकता है। इन चीज़ों से कभी भी अवाम उल नास की इन चीज़ों से या अपोजिशन की इन चीज़ों से कभी गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ता। हुकूमत से खुश है? बिल्कुल नहीं, बकरे तो हुकूमत है, चोर हुकूमत है, जिन्हें वजीर मशीर जिन्हें भी है सब चोर नहीं बल्कि चोर के पुत्र ने। हम किसी के साथ नहीं, हम अल्लाह ताला की जात के साथ किसी के साथ नहीं, लेकिन जो करेगा उसको बोलेगा, जो नहीं करेगा नहीं बोलेगा। ये जैसे आया हमको भी पता है, सबको पता है। तो क्या आवाम के वोट से नहीं आई आप ये? नहीं, चोरी बदमाशी है ये कि सिलेक्टेड मिलियन सही कह रहे हैं वो, ये आवाम के कोई वोट से नहीं आया। हुकूमत तो कहती थी कि महंगाई कम होने वाली है, लेकिन अब तो पेट्रोल की और बिजली की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है, क्या लगता है आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुकूमत की जो बात है वो अपना काम ठीक कर रही है, लेकिन महंगाई की जो बात है वो उसके बस की बात नहीं है, ये बहुत ही गंभीर मसला बनता चला जा रहा है। गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। ये पिछली हुकूमतों का या इस हुकूमत का ये मसला कोई नहीं है, मसला ये इनका अपना है, ये हुकूमत महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकी। क्यों नहीं कर सकती, आपको ऐसा क्यों लगता है? देखें जी, बैरूनी कर्ज़ों ने माशियत को तबाह कर दिया है, कर्जे दर कर्जे उतर, आपको पता है पिछली हुकूमतों ने कर्जे अगर लिए हैं तो कुछ काम किया है और कुछ काम करके दिखाया भी है उन्होंने। चले हम ये मान लेते हैं जी वो खा रहे थे, चले खा रहे थे, कुछ भी नज़र भी आ रहा था। इस हुकूमत का हमें कुछ पता नहीं चल रहा या क्या कर रही है, इसके बस की बात नहीं है, ये माशियत तबाह हो गई है हमारी, दुकानदार या पूरे चौक में देख लें पूरे कारोबार तबाह हो गए हैं, इंडस्ट्री। लेकिन ये हुकूमत कहती है कि इन हालात का जिम्मेदार पिछली हुकूमत है, उन्होंने बहुत करप्शन की थी। दैट्स वेरी बैड, ये कोई भी कह सकता है, दैट्स वेरी बैड। ये आपको लगता है कि उन्होंने करप्शन नहीं की? किसने जी? अगर करप्शन किया है तो हमें ये बताया जाए ना कि करप्शन साबित हुई है तो वो हासिल किया है इन्होंने या इतनी देर हो गई है, 2 साल 2.5 साल तकरीबन हो गए हैं, हमें तो कुछ नज़र नहीं है उन्होंने निकाले। अगर है करप्शन की है चलें उस बात को छोड़ें, ये भी 2.5 साल हो गए हैं, इन्होंने एक ही झटके में चीनी का टीका लगाया है, क्या वो करप्शन नज़र नहीं आ रही आप लोगों को? एक ही झटके में गन्ने का टीका लगाया, एक ही झटके में गंदम गायब, आटा गायब, चूल्हे बंद हो गए हैं। ये मेरा मकसद है, ये किसी को ना कहें, जो ये खुद कर सकते हैं हमें वो खुद करके दिखाएं। जो झांसा दिया गया था कि जी आपको हम इतनी नौकरियां दें, कहाँ हैं वो नौकरियां, कहाँ गया वो सारा कुछ? इमरान खान कहते हैं कि जब 5 साल कंप्लीट होने से पहले नौकरियां मिल जाएंगी। नहीं, ये कभी भी नहीं हो सकता, इनकी हुकूमत में मेरे ख्याल में 10 साल में भी नौकरियाँ नहीं मिलेंगी। देखें, हज़ारों लाखों नौजवान जो बरसरे रोज़गार थे वो भी बेरोज़गार हो गए हैं, कोरोना ने वैसे ही हर चीज़ को मिटा कर रख दी है। किसी हुकूमत को ये कहना कि ये वो काम नहीं करेगी, इनको अपना नुक्ता जो है उस पर देखना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं पिछली हुकूमत को। ये मैंने आप जो हालात हैं जो क्या बन गए पाकिस्तान के, इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन है कि हर बंदा खुद ठीक हो जाए, यानी अगर मैं करप्शन कर रहा हूँ तो मैं भी ठीक हो जाऊँ। चलें हम इनके नुक्ता नज़र पर जो है ना वो एक नज़रिया रखते हुए बंदा खुद ठीक होना चाहिए, इंशाल्लाह सारा ठीक हो जाएगा। मजीद कर्ज़े नहीं लेने चाहिए, अपनी जो आवाम है उसको हमें
आसानियाँ जो है वो देनी चाहिए। मेरा ख्याल है इसका सलूशन यही है कि हर बंदा ठीक हो जाए, ये हुकूमत ठीक हो जाए, अपने अंदर जो इसके काली भेड़े हैं ना, ये पहले उसको देखे कि मेरी जो कैबिनेट है इसमें जो काली भेड़े हैं मैंने उनको तलाश करना है, फिर ही कोई सलूशन निकल सकता है, क्योंकि इसको खाने वाले पिछलों से बहुत ज़्यादा हैं और बड़ी तेज़ी से। 5 साल पूरे कर लेंगे? मेरा नहीं ख्याल, मैं तो कहता हूँ ये करे, इसको वक्त मिले जो ये कुछ चीज़ें शुरू हुई, लेकिन मेरा ख्याल है ये 4 साल तो पूरे करेगा, क्योंकि जो चीज़ें जलसा जुलूस शुरू हो गया, ये सिस्टम शुरू हो गया, ये चैन से तो बैठ नहीं दिख, लेकिन इन चीज़ों से कभी भी अवामुल नास की इन चीज़ों से या अपोजिशन की इन चीज़ों से कभी गवर्नमेंट को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब पड़ता है तो फिर बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि ऐवें तो ये बात शुरू नहीं हो जाती। आपको क्या लगता है इस हुकूमत को फ़र्क पड़ रहा है जलसों से? जी फ़र्क है, ये दबाव में है ये हुकूमत, ये अपने फैसले बहुत जल्दी जल्दी में जो कर रही है, ये फ़र्क पड़ेगा इसको। बल्कि मैं कहता हूँ कि मैं पिछले दिनों मैं देख रहा हूँ हुकूमत को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा इससे, जो है अब ये लोग इन्होंने जो बैठाए हुए हैं ना, ये बातें करते हैं, देखें इन्होंने जलसे से तकरीबन 2 बजे ये कहना शुरू कर दिया जलसा नाकाम हो गया, वही तस्वीरें ये दिखा रहे थे, जबकि रात 9 बजे हमने देखा कि जलसा पीक पे था। ये कामयाब इतना नहीं है, लेकिन ये बहुत कामयाब है। अब दोनों चीज़ें हैं इसमें, ये हम कहते हैं कि जितना बड़ा जलसा वो अकेले करते थे, ये सारी जमातें मिलकर भी इतना बड़ा नहीं कर सकते। देखें जी, मैं इमरान खान को नहीं जानता इस चीज़ को या इस जलसे को, एक बंदा इस कायनात से अल्लाह का बंदा, ये पिछले दिनों आपने पता है काजी साहब फौत हो गए हैं, ये पूरी ज़िंदगी भी लगे ना तो उनके जनाजे जितने बंदे इकट्ठे नहीं कर सकते, ये अल्लाह की एक बंदे की ये ज़मानत है और एक अल्लाह बंदे की निशानी है, तो ये अल्लाह के बंदे होंगे तो ये कर लेंगे इकट्ठे, ठीक है ना जी। ये इनमें मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लिए ख़ास दिल से मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि ये काम कर रहे हैं, ये अपनी अपनी हुकूमतें बचाने के लिए, अपना अपना सारा सिस्टम बचाने के लिए कर रहे हैं। शिबली फराज साहब बैठे हैं, मैं बात नाम लेके बात करता हूँ, फरदोस आशिक साहब बैठी हैं मेरे इधर इलाके की हैं, बात यह है कि सफ़ेद झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो आंखों से नज़र आ रहा हो ना उसको फेस करने की भी ताकत होनी चाहिए, तो ये देख के झूठ बोलते हैं, ये सारे झूठ बोल रहे हैं। जब सियालकोट का दौरा किया था इमरान खान ने, उन्होंने कहा है कि इंडस्ट्रियल स्टेट बनाएंगे सियालकोट को, मॉडर्न सिटी बनाएंगे, आपको लगता है ऐसा होगा? ऐसा हो सकता है, वैसे तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे फ़ख्र है अपने सियालकोट पे कि यहाँ के लोग ही इसको बेहतरीन बना सकते हैं, यहाँ जो इंडस्ट्री है ये रीढ़ की हड्डी है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक नाम है और वो सियालकोट का सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जो है, यहाँ के जो इंडस्ट्रियल हैं वो खुद ही पाकिस्तान को ले कर आगे चल सकते हैं, तो ये पिछली हुकूमत भी कहती थी सब ने किया, ये भी करेंगे, एयर सियाल की जो ये वैसे ही बन गया वो एयर सियाल इन लोगों ने बनाया, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का या इस हुकूमत का नहीं है, एयर सियाल लोगों ने खुद बनाया ना, सियालकोट के लोगों ने, आपको पता है, तो फिर ये कामयाबी हमारी अपनी कामयाबी है, गवर्नमेंट इसमें हिस्सा डालती है तो वो बड़ी अच्छी बात है, मैं समझता हूँ कि करना चाहिए इनको आगे, अगर इन्होंने हुकूमत थोड़ी बहुत चलानी है 1 साल 1.5 साल 2 साल तो फिर इनको ये फेस करना पड़ेगा इंशाल्लाह। हुकूमत ने तो कहा था कि 3 महीने में महंगाई कम हो जाएगी, लेकिन पेट्रोल की और बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, क्या कहते हैं इस बारे में? ये बिजली कम नहीं कर सकते, कुछ चीज़ कम नहीं कर सकते, ये एक दिखावा है कर रहे हैं, ये अपने मर्जी के गिनती कर रहे हैं, ये मसला तो इनसे तवक्को कोई चीज़ नहीं की जा सकती, मतलब हुकूमत पर यकीन नहीं है? हुकूमत पर यकीन नहीं है, इस हुकूमत पर यकीन नहीं है। क्यों नहीं है यकीन? इसलिए ये 3 साल हो गए हैं, 3 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया, आइंदा 2 सालों में क्या कर सकते हैं? ये नवाज शरीफ ने देखा था क्या कैसे काम किए थे, स्टार्टिंग में उन्होंने कुछ काम किए थे, इस तरह ग्राइंड पे आप नवाज शरीफ के साथ? बिल्कुल, हम नवाज शरीफ के साथ हैं जी, इंशाल्लाह ताला के हुक्म से नवाज शरीफ के साथ। जो लॉन्ग मार्च किया जाएगा अगले महीने कह रहे हैं वो उसके साथ हैं आप? हाँ बिल्कुल, उसके साथ हैं जी, नवाज शरीफ के साथ है बिल्कुल, हम जैसे वो हमारा कायद है, हम उस जैसे हमें कॉल करें हम उस तरह उसकी बात करने के लिए तैयार हैं हम। लेकिन हुकूमत तो कहती है नवाज शरीफ चोर है, जो कहते हैं तो कहने तो चोर है, आपको नहीं लगता? मैंने चोर का, हमें तो कुछ चीज़ चोरी दिखाई दी, हमें तो कुछ चीज़ चोरी दिखाई दी, हम तो उस दिन भी अब कमाते थे, अभी अपना कमा के खाते हैं, पहले हमने बिल्कुल सस्ती चीज़ें थी, अब तो महंगी हो गई हैं, इतनी महंगी हो गई है आसमान तक जाने लग पड़ी हैं चीज़ें, उसको 50 रुपये किलो चीनी थी अब 150 रुपये किलो चीनी भी बिक रही। इमरान खान कहते हैं थोड़ा सा इंतजार कर लें, हालात बेहतर होंगे, जब मौत आ जाएगी फिर उतना इंतजार करें, अब कितना और इंतजार कर, 3 साल इंतजार की है, वो 2 साल कैसे इंतजार करें, 2 साल तो इंतजार नहीं हो सकता। लेकिन जो इतने सालों की जो खराबियाँ पैदा हुई हैं उसको सही होने में वक्त तो लगता है? किसने पैदा की? किसने पैदा की खराबियाँ? उसने पैदा की, वो तो हुकूमत चल रही थी, हुकूमतें तो चल रही थी, वो डिवाइडर थे, इसने आगे किया सारा खराब,
तो फिर इमरान खान को रहना चाहिए या फिर इस्तीफा दे? इस्तीफा देना चाहिए, इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा देने से क्या होगा? बिल्कुल जो दूसरा आएगा वो तो बिल्कुल कंट्रोल, हुकूमत कंट्रोल में करेगा, इसको तो करने नहीं आती। इसके साथ जितने सारे बैठे सारे चोर हैं, सारे चोर बैठे हुए हैं। हुकूमत का कहना था कि 3 महीने तक महंगाई कम हो जाएगी, लेकिन अब तो मजीद बढ़ती जा रही है पेट्रोल बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया, क्या कहते हैं इस बारे में? क्या कहना, इसी तरह रोंदे तो नहीं, हमने गुजारा करना है और क्या होना है। कोई महंगाई कम तो होती नहीं, एक दफ़ा का ज़्यादा हो जाए तो महंगाई कम होती नहीं। इस हुकूमत से खुश हैं आप या नहीं? मैं कैसे खुश होना है, मैं आप मजदूरी करता हूँ और हुकूमत ने हमें क्या देना है, क्या लेना देना हुकूमत को करता लें। मकान भी अभी तक मेरा नहीं है, चलो मकान हो जाए। पर तो ये जो हालात चल रहे हैं आजकल, ये सिर्फ इस हुकूमत में ख़राब हुए हैं या पहले भी ऐसे ही थे? पहले भी ऐसे ही थे, नवाजी दौर में क्या हुआ है, कुछ नहीं। अपने ये मफाद परस्त टोले हैं, वो जो आते हैं ना वो अपना काम चलाते हैं तो चले जाते हैं। मुल्क को कौन सही तरह चला सकता है, क्या लगता है? मैं कहता हूँ इस मुल्क में सदर आज होना चाहिए, गोया ये MNA MPA नहीं होने चाहिए, ये अपनी जारादारी करते हैं, कोई मुल्क के मफाद में नहीं काम करते, अपने मफाद में काम करते हैं। अभी तो पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ लेकिन थोड़ी दिनों तक कमी होगी उसमें। इमरान खान ने कहा कि थोड़े दिन बस मुश्किल क्या है, उसके बाद फिर अपनी जगह पे पेट्रोल। तो ये तो उन्होंने बहुत देर से कहा है, लेकिन वो मुश्किल के वक्त गुजर क्यों नहीं रहे? मुश्किल के वक्त आस्था से गुजर देना, जब इतनी 30 साल की तबाही है वो आराम से ही साफ होगी ना। अब वो तो उस पर टाइम लगेगा, अभी कितना टाइम लगेगा? अभी इसको 5 साल पूरे करने दें, उसके बाद फिर फैसला करेंगे हम कि वोट किसको देना है और किससे किसको अगला हुक्मरान बनाना है। लेकिन महंगाई तो बढ़ती जा रही है, आपको लगता है कम होगी? इंशाल्लाह कम होगी, यकीन है आपको? पूरा यकीन है इमरान खान पे। लेकिन जो लॉन्ग मार्च की बातें की जा रही है, जो अगले महीने होना है, उसके बारे में क्या कहते हैं? वो होना ही नहीं है, इन्होंने पहले ही टूट जाना इतिहाद ने, पीडिया में इतिहाद ने पहले ही टूट जाना, क्योंकि पहले मौलाना चकदई क्या कह गए हैं, मौलाना भी क्या कह गए हैं, लाहौर के खिलाफ बातें कर गए हैं वो, मैं खुद लाहौर का हूँ और हमारे खिलाफ ही वो बातें कर गए हैं, हमें गद्दार कह गए हैं वो, और खुद ये सबसे बड़े गद्दार हैं जो इंडिया के साथ मिले हुए हैं। कौन सबसे बड़ा गद्दार? मौलाना फजलुर रहमान, खुद इसराइल का एजेंट है, और आपको पता है वो अचकज़ई वो भी ऐसे ही एजेंट है, नवाज शरीफ खुद गलत बातें कर रहा है। तो आप इस हुकूमत से खुश हैं? इससे पूरे मुतमिन हैं हम, इंशाल्लाह आगे सही होगा।